तो दो संस्कृतियां हो गई, एक भोगवादी संस्कृति और एक आध्यात्म या धर्म की संस्कृति, भारत की संस्कृति। ये संस्कृति, अब मैं इसको दूसरे रूप में कहना चाहूंगा, भोगवादी संस्कृति का प्रतीक जिसे आसुरी संस्कृति कहते हैं, और त्याग वाली संस्कृति देव संस्कृति कहलाती है। तो ऐसा कह लीजिए, एक संस्कृति राम जी की है और एक संस्कृति रावण की है, बस इतना भेद कर लीजिए। अब आपने सोचना है कि आप कौन सी सेना में भर्ती होने जा रहे हैं, किसकी तरफ होने जा रहे हैं, रावण की तरफ होने जा रहे हैं, राम की तरफ होने जा रहे हैं। अब इसमें कुछ चीजें सोचने की, थोड़ा थोड़ा विचार करना। रावण कौन? धन का दीवाना, राज्य का विस्तार करने का भूखा, स्त्रियों का लोलुप, सिद्धियों का स्वामी, भारी ज्ञानी, अशांत चंचल व्यक्ति। राम जी मतलब दो संस्कृतियां सामने दिखाई दे रही हैं। एक संस्कृति जहां व्यक्ति धन के लिए पागल, अपने विस्तार के लिए तो किसी को भी यूज करने को तैयार है, महिलाओं के प्रति मान सम्मान नहीं है, भोग समझता है उनको, और कोई भी हुनर आर्ट गुण आ जाए उसका मतलब सीधा है कि इस सब के द्वारा मैं अपने आप को सुखी कर लूं और दूसरे को यूज कर लूं। राम जी धन राज्य सबसे ऊपर उठे गए, लंका जीती, खुद नहीं रखे, त्याग सामने है। और उनका पूरा स्वरूप अपनी पत्नी सीता में पूरा हो गया, उनका पूर्ण प्रेम, एक को पाकर सब कुछ पा लिया, उसी में अपना सब प्रेम अनुभव कर लिया। और जहां और किसी तरह का प्रदर्शन नहीं, इस संस्कृति में प्रदर्शन है, लेकिन राम जी की संस्कृति में आत्मदर्शन को महत्व तो दिया जाता है, प्रदर्शन को महत्व तो नहीं दिया जाता। तो हमारे सबके अंदर भी ये ध्यान रखने की बात है कि कहीं हमारे अंदर का रावण तो नहीं जाग रहा, हमें अपने अंदर के राम को जगाना। जब हम अपने अंदर के राम को जगाते हैं तो दिखाई देता है कि राम जी जिज्ञासु हैं, राम जी विनीत हैं, राम जी गंभीर हैं, राम जी प्रसन्न वदन हैं, राम जी शांत स्वरूप का नाम है, रावण अशांत है, चंचल है, ज्ञान की बातें जरूर करता है लेकिन ज्ञान विज्ञान उसकी जिंदगी में नहीं है। जिन लोगों ने बढ़िया बातें तो याद कर रखी हैं पर जिंदगी का हिस्सा नहीं है, ऐसे लोग दुनिया में दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए तो काम कर रहे हैं लेकिन खुद भी अशांत है और दुनिया में अशांति फैलाते हैं। आश्चर्यजनक बात तो यह है, दुनिया में कम जानने वालों से खतरा नहीं है, ये ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा अपने आप में आगे जो लोग कहते हैं, सारा खतरा ज्यादा से ज्यादा खतरा वहां से दिखाई देता है, क्योंकि सारी चालाकियां वहां दिखाई देती हैं। सीधा साधा आदमी तो फिर भी अपने भोलेपन में अपनी जिंदगी जीता है लेकिन सॉफ्ट टारगेट वही बनता है। जो बहुत ज्यादा बेचारे भावना वाले सीधे लोग होते हैं, ज्यादातर लोग उनको यूज करते हैं। इसलिए आप कुछ भी कीजिए लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रख लीजिए कि आपने किसी का सॉफ्ट टारगेट नहीं बनना। त्रेता युग में राम जी आए, द्वापर में कृष्ण भगवान, उन्होंने जरूर थोड़ा सा समझा दिया कि ना धोखे में आओ ना धोखा दो, बर्दाश्त करना भी आना चाहिए, बर्दाश्त कराना भी आना चाहिए, झुकना भी आना चाहिए, झुकाना भी आना चाहिए, मानना भी चाहिए, मनवाना भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, क्योंकि अगला अवतार कलयुग के लिए था, कृष्ण जी का अवतार कलयुग के लिए था।
कि आने वाले समय में जीना कैसे पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रख लीजिए, राम जी तभी के थे ऐसा नहीं, राम जी कभी के थे ऐसा भी नहीं, राम जी तभी के भी थे, अभी के भी हैं और सभी के भी हैं, क्योंकि वो कालखंड से ऊपर है। अब यहां समझने वाली बात है, रावण की संस्कृति में दिखाई देता स्वार्थ, राम जी की संस्कृति में दिखाई देता परार्थ, अपना आपा बाद में दूसरा पहले। अब इस बात को इस तरह से समझिए कि राम जी और भरत बाल्यकाल में दोनों खेल रहे हैं, खेलते खेलते राम जी हार गए और भरत जीत गए। भरत के जीतने पर थोड़ी देर में भरत को समझ में आया कि जानबूझ के राम जी हारे हैं, तो वो आया और भाई से आकर बोलता है, भैया आपने जानबूझ कर मुझे जिताया और खुद हारे हो। राम जी मुस्कराते हैं और उसकी तरफ देखते हैं, भाई की तरफ देखकर कहते हैं, भरत तुम्हें जिताने में जो आनंद है वो तुमसे जीतने में आनंद नहीं है, तुमसे हार कर ज्यादा आनंद मिलता है। अब भरत उस समय तो कहते हैं कि नहीं भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जाते जाते क्या सोचते हैं कि मेरे भैया में कितना प्यार है, वो प्रेम के सागर हैं, वो हर चीज में अपना नहीं सोचते कि मैं जीत जाऊं, वो सोचते हैं मेरा भाई जीत जाए। जिस घर में अपने भाई को जिताकर कोई खुश होता हो स्वर्ग वहीं टिकेगा, जहां अपनों को जिताकर आदमी खुश होता स्वर्ग वहां टिकेगा, और जहां अपनों को जीतकर दबाकर कोई कुछ प्राप्त भी कर ले, ध्यान रख लीजिए उसके पास वस्तु तो हो सकती है, वस्तु का सुख नहीं हो सकता, घर में शांति नहीं रह सकती। राम जी की पूरी गाथा अपने आप में उपदेश है, वहां इस तरह के प्रवचन नहीं है, जैसे भगवान कृष्ण ने तो पूरा प्रवचन दिया, गीता उनका संदेश है, राम जी का संदेश तो अलग ही है, वो तो करके दिखाते हैं। यह अलग बात है कि जहां गए राम, जैसे वसंत पंचमी वाले दिन जब पूरे फूल खिले हुए थे पूरे वन में, और जब वो शबरी की कुटिया तक पहुंचे थे, गुजरात में डांग डिस्ट्रिक्ट है ना, जहां पर वो एक शिला है, एक चट्टान है जिसको पूजने के लिए वसंत पंचमी में लोग जाते हैं, क्योंकि वहां पर शबरी के आश्रम में उस पत्थर पर उस शिला पर राम जी बैठे थे। तो लोग कहते हैं कि ये शिला शिला नहीं है, जहां राम जी बस गए तो आज भी उसमें राम जी का रूप महसूस होता है, पूजने जाते हैं लोग। लेकिन इस रूप में जरा देखिए, राम जी जहां पहुंच गए उस वन खंड में भीलनी के पास, इतनी संवेदना के किसी की पुकार राम सुन रहे हैं, ये संवेदनशीलता जिससे सपने में ये दिखाई देता है मेरा भाई मुझे पुकार रहा है, पता नहीं ठीक भी है नहीं ठीक है, बीमार है, मैंने सपने में अपने भाई को दुखी देखा। अब हालचाल पूछने चला जाए आदमी और पता लगा कि सच में उसका भाई बीमार है। अभी भी बहुत घरों में है जिन्होंने अपने नाम के आगे, जिनके नाम राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सब नाम है और उनमें संवेदना भी है। ये संवेदना हमारे जीवन में चाहिए जरूर, क्योंकि जब ये संवेदना होती है ना, हमें दूसरे का भी दुख महसूस होता है, अपना भी दुख पता लगता है। लक्ष्मण को जब मूर्छा आई और उनको इतना बड़ा शक्ति प्रहार उनकी छाती पर हुआ, और जब वो ठीक हुए
तो राम जी की आंख के आंसू देखकर आश्चर्य में है। और राम जी पूछते हैं, लक्ष्मण इतना बड़ा घाव लगा, तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा। तब लक्ष्मण कहते हैं, नहीं भैया मुझे दर्द नहीं हुआ, इतना बड़ा घाव लगा दर्द नहीं हुआ। बोले, नहीं दर्द तो आपको हुआ, तभी तो आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, चोट मुझे लगती है, दर्द आपको होता है। ये संवेदना है और ये प्रेम है जो आपके घरों को सुरक्षित रखता है। इसलिए भोगवादी संस्कृति जो है, जो रावण की संस्कृति है, उसमें दूसरे को यूज करने की भावना तो है, और उसी संस्कृति का ये परिणाम है जो आजकल यूज एंड थ्रो वाली बातें चलती है, इस्तेमाल कर लो उठा के फेंक दो। इसी का परिणाम ये हो गया है कि अब हम लोग वस्तुओं को महत्व दे रहे हैं, प्यार हमारा छिन गया है। दूसरी बात, रावण ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें धर्म मर्यादा कहीं भी नहीं है, मर्यादाहीनता। हमारी जो आर्य संस्कृति है, देव संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसमें सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहां मर्यादा और धर्म को बहुत महत्व दिया जाता है। कितना महत्व दिया जाता है, पहले तो ये जान लीजिए मर्यादा होती क्या है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि मर्यादा किसे कहते हैं, तो पहले तो जान लीजिए कि मर्यादा का अर्थ क्या होता है। किसी देश की जो सीमा होती है, वो सीमा रेखा उसकी मर्यादा है। उसका उल्लंघन करके उसे दूसरी तरफ नहीं जाना और दूसरे को उसका उल्लंघन करके इधर नहीं आना। आपके घरों के बीच में, दूसरे घर के बीच जो बीच वाली जगह है, डिवाइडर लाइन है, वो मर्यादा है। नदी के जो किनारे हैं वो मर्यादा है, नदी को उस किनारों के बीच बहना है, उससे बाहर नहीं जाना। अगर वो उससे बाहर निकलकर बहती है, फिर नदी नदी नहीं, फिर वो बाढ़ का पानी है, फिर वो विनाश करता है। जब किनारों के अंदर बहती है तब वो विकास करता है। इसलिए मर्यादा विकास के लिए है और मर्यादाहीनता विनाश के लिए। जितना जितना जीवन में आपके मर्यादा चलती चली जाएगी, उतना आपका जीवन अपने लिए भी सुखदायी, दूसरों के लिए भी सुखदायी। मर्यादा बाहर गए, मर्यादाहीन हुए, अपना भी बुरा, दूसरे का भी बुरा कर रहे हैं। तो राम जी मर्यादा के स्वरूप हैं, और वेदों में कहा गया सप्त मर्यादा कव्यस्ततक्षुः, सात तरह की मर्यादाएं बनाई गई, जिनका उल्लंघन किसी को नहीं करना। तो अलग अलग समय में आचार्य लोग फिर अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि ये मर्यादा है, ये मर्यादा है, ये मर्यादा। तो आप लोग भी अपने घर में बोल रहे होते हैं, बहू हमारे घर की ये मर्यादा है, ये हमारी परंपराएं हैं, इनको हम नहीं तोड़ सकते, इनसे बाहर हम नहीं जा सकते, हमें इस तरह से रहना है। उन सारी मर्यादाओं को राम जी ने जिस तरह से दिया, अब इसमें एक खास बात है जो समझने की है कि कभी कभी बड़े लोग भी मर्यादा भूल रहे हैं और राम जी उनको सिखा रहे हैं कि नई मर्यादा में रहना। अब अलग अलग रामायण में अलग अलग रूपों में जो कुछ वर्णन आए उनमें से छोटी छोटी बातें सुनाता हूं आपको। राम जी को जब वनवास दे दिया गया और वो जाने लगे, तो मां कौशल्या से मिलने के लिए आए। मां कौशल्या ने राम जी की तरफ देख करके कहा कि राम ये बताओ, मेरा तुम्हारे ऊपर कितना अधिकार है और तुम्हारे पिता का कितना अधिकार है? राम जी ने कहा, जितना पिताजी का अधिकार है उतना ही आपका भी अधिकार है। मां ने कहा, अगर पिता ने आदेश दिया वन जाने का, तो मैं आदेश देती हूं नहीं जाने का। अब आपको नहीं जाना। मां की ममता बोल रही है, और घरों में ही आमतौर से होता है,
माँ साथ में खड़ी हो जाती, मैं कहती हूँ ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ी होती हूँ। राम जी उस समय क्या कहते हैं कि हमारे रघुकुल की मर्यादा है और परंपरा भी है, जो घर के प्रमुख है ना, उनके आदेश में सबके आदेश शामिल हो जाते हैं, तो पिताजी के आदेश में आपका आदेश तो पहले ही शामिल हो चुका है, इसलिए ये तो आपकी ममता बोल रही है माँ, ये आपका वात्सल्य है जो मेरी तरफ बह रहा है, लेकिन निर्णय तो हो चुका ना। सिर झुका गई माँ। राम जी माँ को भी मर्यादा बता रहे हैं कि हमारे घर में दो आवाजें नहीं चलती, हमारे घर में दो बातें नहीं होती, हमारे घर में एक बात होती है, एक निर्णय हुआ तो सबने पालना है। इसलिए ये कहा गया रामो द्विर्न अभिभाषते, राम जी भी किसी बात को दो बार नहीं बोलते, मतलब दो तरह से नहीं बोलते, एक ही तरह से बोलते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, नहीं 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 मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो ये कहना चाह रहा था, आपने गलत समझ लिया। राम जी ऐसा नहीं करते कभी, जो एक बार बोला वही सही है, दूसरा कोई मतलब नहीं है कि दूसरे को कहा जाए कि नहीं तुमने ऐसा नहीं ऐसे समझा, समझे कोई अलग बात है, लेकिन कई लोग जो अपने बयान से अपने वचन से पलटते हैं, राम जी वचन से पलटते नहीं, ये है मर्यादा। राम जी एक वचनी कहलाते हैं, अपना जो कहा उस पर अडिग। और कमाल तो ये, जब सूचना मिली राम जी जाने को तैयार हैं और दशरथ कोप भवन में बैठे हुए हैं, रो रहे हैं और पूछ रहे हैं कि राम जा रहे हैं, बोले हाँ, क्या रूप बनाया हुआ उन्होंने, तो बताया गया कि राम जी का भेष जो है तपस्वियों का भेष है, वो भेष पहना है उन्होंने, जो हमारे पूर्वज लोग जिस समय अपने घर परिवार का परित्याग करके वैरागी होकर वन में साधना करने के लिए जाते हैं, और जिसका मतलब होता है कि लौट कर अब इस रूप में नहीं आएंगे, तपस्या के मार्ग पर जा रहे हैं। साबित कर रहे हैं कि विश्व जागृति मिशन एवं पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद इन्हें सफल जीवन की ओर ले जा रहा है। बच्चे समाज और देश का भविष्य है, इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagratimission.org। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सचेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना, ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली